आइए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। और इसमें हमें एक रैशनल नंबर गिवन है और विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन हमें ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसे कैलकुलेट भी करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसका जो डिनोमिनेटर है वो कलेक्ट करना है। डिनोमिनेटर है 1600 और अब इस 1600 को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे और उसके लिए हमें इसे इस प्राइम फैक्टर्स इसके कैलकुलेट करना पड़ेंगे। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 800 आएगा। 800 को 2 से डिवाइड करेंगे 400 आएगा, 400 को 2 से तो 200, और 200 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं 100, 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, और 50 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 25, और इस 25 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी इस 1600 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 5 × 5, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 2। और अब हम ये ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व that this 2 to the power 6 multiplied 5 to the power 2 is of the form of 2 to the power m multiplied by 5 to the power m। और अगर किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। सो 15 ओवर 1600 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अब हमें इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट में हम इस 15 ओवर 1600 का डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट करेंगे। सिक्सटीन हंड्रेड को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर 2 और हियर इज 15। और अब हम इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 5 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए कि हम डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल्स में चेंज करते हैं, 10 के पावर्स में चेंज करते हैं। तो ये होगा 10 टू दी पावर 6 और ये न्यूमरेटर होगा 15 × 625। और जब 15 और 625 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9375। और 10 टू द पावर 6 मींस 1 with 6 0। और इसका जो डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा वो होगा 0.009375। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।